हाय फ्रेंड्स, मैं हूं वहीदा और वेलकम टू माय चैनल वहीदा बिलिमोरिया। आज हम क्लास फिफ्थ का चैप्टर डज इट लुक द सेम करने वाले हैं। डज इट रियली लुक द सेम? आप नॉर्मली एनसीईआरटी की बुक्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो चैप्टर्स के नाम है ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तो अंदर पता नहीं क्या होगा। तो लेकिन हम जब एक या दो पन्ने उलटकर देखेंगे तो पता चलेगा कि डज इट लुक द सेम मैथ्स का चैप्टर सिमेट्री है। इस चैप्टर में हम बच्चों को लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में बताएंगे, जहां से कोई भी पिक्चर एक साइड से, जैसे कि ये है, तो ये जो है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहां से पिक्चर ओवरलैप होगा, ये हम बच्चों को सिखाएंगे। इसके बाद हम उन्हें टर्म्स के बारे में बताएंगे, जिसके लिए हम इस तरह का एक राउंड फिगर लेंगे जिसपे हम कुछ नंबर्स ड्रॉ करेंगे और फिर उससे बच्चों को समझाएंगे हाफ टर्न्स क्या होता है, फुल टर्न क्या होता है, वन फोर्थ टर्न क्या होता है। इससे होगा ये कि बच्चे जो हैं वो कोई भी चीज मगअप नहीं करेंगे, वो समझने की ट्राई करेंगे कि भाई अगर हाफ टर्न है तो मुझे प्रैक्टिकली ही करना है, तभी मैं उसके बारे में लिख पाऊंगा। अगर हम उन्हें शुरू में लिख के दे देंगे कि भाई हाफ टर्न है तो आप यही करो, फुल टर्न है तो यही करो, तो वो ठीक नहीं रहेगा। प्रैक्टिकली हम उन्हें बताएंगे और उन्हें भी उसमें बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सफर। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा लेसन सिमेट्री। सिमेट्री यानी आपका फिफ्थ चैप्टर डज इट लुक द सेम। सिमेट्री में होता क्या है, एक इस तरह की लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो आपके फिगर को दो पार्ट्स में कट करती है, लेकिन जब ये दो पार्ट में कट करती है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री तभी कही जा सकती है जब ये दोनों पार्ट आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल यानी एकदम सेम। अभी हमें लग रहा है कि भाई हमने तो कट कर ली है, तो ये जो जगह है वहीं से अगर हम कट करेंगे तो ये पार्ट अगर इस पे रखा जाए, जैसे कि हमारा हाथ, ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं हाथ को इस तरह से रखूंगी तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो फिंगर्स है वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है और इसे कहते हैं सिमेट्री। और जो बीच की है रेखा, ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर हम ये फिगर देखें तो ये फिगर अगर मैं फोल्ड करके इसके ऊपर डालूं तो आप देख सकते हैं कि पहले तो कलर्स मैच नहीं करते, ये कलर इसके ऊपर आएगा और ये कलर इसके ऊपर आएगा। सो फर्स्ट थिंग इज कलर मैच नहीं करते तो सिमेट्री है ही नहीं। अगर ये कलर सेम होते तो भी सिमेट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नॉच अंदर है जबकि इसके अंदर बाहर है, तो फिगर भी डिफरेंट हो गए हैं। इसलिए ये पैटर्न में अगर मैं इस तरह से लाइन बीच में खींचूं तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये एग्जैक्टली टू हाफ्स में कट नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट फिगर देखते हैं। नेक्स्ट फिगर में आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल लिया गया है जिसमें ऊपर एक पिंक कलर का बॉल है और दो सर्कल्स या बॉल्स येलो कलर के आइदर साइड पे हैं। जब ये लाइन ऑफ सिमेट्री खींची गई है, और लाइन ऑफ सिमेट्री यानी अगर मैं यहां से इस पेपर को फोल्ड कर लूं तो आप देखेंगे कि ये बॉल फोल्ड होकर इस बॉल पे आया सेम यहां पे, और ये बॉल आधा फोल्ड होकर इस तरह से आधा। सो ये एक परफेक्ट सिमेट्री का एग्जांपल है और इसे हम कहते हैं मिरर हाफ्स। हाफ यानी आधा और मिरर इमेज। अब इसके बाद आप देखेंगे ये जो डिजाइन है बैग पे, ये सिमेट्रिकल डिजाइन है। ये जो स्टारफिश है ये भी सिमेट्रिकल डिजाइन है। आप अपने घर पे एक स्टारफिश ड्रॉ कीजिए और ट्राई कीजिए कि जब इस तरह से आप बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री डालते हैं तो क्या ये पॉइंट इस पे आता है और ये पॉइंट इस पे ओवरलैप होता है। तो ये है लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके बाद हमें नेक्स्ट पेज पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, 15 एग्जाम्पल्स है। यहां से स्टार्ट होकर आप देखेंगे वन यहां पे है और 15th एग्जाम्पल यहां नीचे है। सो हम अब ये 15 एग्जाम्पल्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। लाइन ऑफ सिमेट्री हमें ऑलरेडी दी गई है, हमें वहीं से पेपर को फोल्ड करके चेक करना है। तो यहां पे आप देखेंगे ये बैकग्राउंड को आप इग्नोर कीजिएगा, सिर्फ फिगर देखिए। ये जब फिगर हम यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री पे से फोल्ड करते हैं तो ये
शार्प एज वाली जो है वो इस पे आता है, ये इस पे आएगा, ये इस पे आएगा, और ये जो बिल्कुल हाफ है वो एक दूसरे पे आएंगे। लेकिन यहाँ पे कलर्स मैच नहीं करेंगे, फिगर्स मैच करेंगे लेकिन कलर्स मैच नहीं करेंगे। आप घर पे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा कि ये जो है व्हाइट कलर है, जो सिमेट्री पे अगर इस पे आया तो वो कलर तो पिंक है। फिगर्स मैच करेंगे, कलर्स मैच नहीं करेंगे, तो ये हमें नहीं चाहिए। इसके बाद हम सेकंड फिगर देखते हैं, ये फिगर। इस फिगर में हम ये लाइन ऑफ सिमेट्री से अगर कट करते हैं तो ये फिगर इसके ऊपर आने पे ये जो राउंड पार्ट है नीचे आएगा, जहां पे इस तरीके का कोई पार्ट है ही नहीं, और ये पार्ट यहां आएगा जबकि इसके ऊपर का पार्ट तो रह गया। सो ये भी सिमेट्रिकल नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी आप ये थर्ड लीफ देखिए, लीफ बराबर है, आप इस पे बीच में से फोल्ड करेंगे तो थोड़ा बहुत यहां, लेकिन ये बराबर है कि लीफ हमेशा सिमेट्रिकल होता है। फोर्थ चीज आप देखेंगे इस तरह की डिजाइन, डिजाइन सिमेट्रिकल है। आप ये कलर मत देखिए, डिजाइन देखिए, डिजाइन सिमेट्रिकल है कि इसमें ये इसके ऊपर अगर आया तो ये फिगर इसके ऊपर आएगा और ये इसके ऊपर, ये सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर कलर देखा जाए तो यहां ये पार्ट पे सिमेट्री नहीं है क्योंकि ये ब्लू कलर है और ये व्हाइट कलर है। आगे बढ़ते हुए फिगर नंबर फिफ्थ पे आप देखेंगे कि फिगर नंबर फिफ्थ पे ये एक स्टार है, सिक्स एज सिक्स पॉइंट्स वाला स्टार है। इसे हम जब सिमेट्रिकल ये लाइन ऑफ सिमेट्री से कट करेंगे या फोल्ड करेंगे तो ये सिमेट्रिकल है। इसी तरह ये जो है हमारा फिगर, ये भी सिमेट्रिकल है क्योंकि इसका भी ओवरलैपिंग इस पे होगा, ये भी राइट है। ये यहां से अगर हम फोल्ड करेंगे तो ये भी राइट है। बटरफ्लाई सिमेट्रिकल नहीं है। अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहां दी गई होती तो बटरफ्लाई सिमेट्रिकल होती, ये पार्ट इस पे आता। लेकिन जब लाइन ऑफ सिमेट्री यहां है तो आप देख सकते हैं कि ये शेप अलग है और ये शेप अलग है, तो वही ओवरलैप नहीं होगा। और सेकंड पार्ट ये जो है ये यहां पे तो है ही नहीं, तो वो नहीं होगा। सो ये हमारा नहीं होगा। इसके बाद हम यहां जाते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री तो ठीक है लेकिन कलर्स मैच नहीं करेंगे। आप देखेंगे कि जो पिंक है वो ग्रीन पे आएगा और ग्रीन है जो पिंक पे आएगा, सो कलर्स हमारे मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। ये भी सिमेट्रिकल नहीं है क्योंकि ये लाइन सिमेट्रिकल यहां जाएगी, ये जो है ये यहां आएगा और ये ऐसे ही रह जाएगा, सो ये सिमेट्रिकल नहीं है। अगर ये डिजाइन इस तरह से रहती तो ये सिमेट्रिकल होता, लेकिन अभी ये सिमेट्रिकल नहीं है। इसके बाद हम फिगर नंबर 12 देखेंगे। फिगर नंबर 12 में क्या है कि अगर मैं इसे फोल्ड करूंगी तो यहां पे सिर्फ पिंक कलर है और यहां पे ये ट्रायंगल विथ पिंक कलर है, तो ये तो हमारे पास इसमें है ही नहीं, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। फिश एकदम परफेक्टली सिमेट्रिकल है क्योंकि अगर मैं ओवरलैप करूंगी तो आधी आंख, फिश का ये और फिन सब कुछ ठीक है। ये भी सिमेट्रिकल है क्योंकि ये जो क्लॉज है वो इधर भी है, सो ये सिमेट्रिकल है। अब हम मिरर गेम्स खेलते हैं। मिरर गेम्स खेलने का एक रूल ये है कि जहां पे हम लाइन ऑफ सिमेट्री चाहिए हमें ये आंसर में, वहां पे हमें मिरर रखना है, या फिर आप यहां पे मिरर रखिए और उसका आंसर आना चाहिए। हम यहां से इसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो वह कैसे करेंगे, और मैं इस चीज के लिए यूज करूंगी एक प्लेन पेपर और एक स्केल। सो अगर मुझे इस फिगर में ढूंढना है कि भाई सिमेट्री इस तरह की मुझे चाहिए तो कैसे होगी, कि भाई इस तरह के मिरर इमेज मुझे चाहिए तो कैसे होगा, तो इसके लिए क्योंकि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का मुंह है, मैं यहां से ये जो डबल आपको फिगर दिख रहा है यहां आपको पता चल जाना चाहिए कि एक आधा कहां पे होगा, हाफ यहां पे हुआ, तो मैंने यहां अपना
ये रख दिया। आप चाहे तो आप यहाँ पे अपना मिरर रख सकते हैं या यहाँ पे अपना मिरर रख सकते हैं, ताकि आपको यहाँ ये मिरर में इमेज दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे रखा और मुझे पता चला कि भाई अगर मैं यहाँ से कट करूँ तो मुझे इस तरह की इमेज मिलेगी, इसलिए यहाँ ये फिगर में जाके ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की गई है। ये ऑलरेडी ड्रॉ थी इसलिए इसमें इतना डिटेल में समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। इस फिगर में करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली हाफ पार्ट ये यहां पे है, एग्जैक्टली हाफ पार्ट आपको यहां दिखेगा। इस तरह का पार्ट इसमें भी है, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि भाई एग्जैक्टली हाफ पार्ट जो है उसमें ये जो स्क्वायर है ये पूरा कवर नहीं, ब्राउन कलर का जो स्क्वायर है ये पूरा कवर्ड नहीं है, आधा ही कवर्ड है। और ये मेरा फिगर, तो फिर इसके लिए मैं यहां पे जाऊंगी और अब मैं यहां पे अपनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूंगी। इस तरह से अब ये फिगर देखते हैं। ये फिगर देखते हैं, इसमें अगेन यहां पे हाफ आप देख सकते हैं कि यहां पे हाफ है, यानी अगर ये डॉग है तो इसकी ये जो है ये भी हाफ ही आई है, ये वाला भी हाफ है। और ये फिगर अगर इस तरह से हाफ है तो मैं इसे आपको समझने में आसानी होगी। अब मैं यहां पे जाकर इसी तरह का फिगर ट्राई करूंगी जिसमें मुझे दिखना क्या चाहिए, या आप यहां पे पेपर रख दीजिए तो आपको पता चलेगा। मुझे ये हाफ चाहिए तो बराबर है, मुझे ये थोड़ा चाहिए, यहां पे एक छोटा सा गैप भी चाहिए और ये भी चाहिए। सो ये मेरी परफेक्ट लाइन ऑफ सिमेट्री है। लाइन ऑफ सिमेट्री नॉर्मली हम डॉटेड लाइन से ही ड्रॉ करेंगे, सो आप डॉटेड लाइन से ही ड्रॉ कीजिएगा। इसके बाद ये फिगर है, ये फिगर हमें पता चल रहा है कि भाई इसका मिडल पार्ट कहीं यहां बीच में आना चाहिए। अगर मैं यहां बीच में रखूंगी तो ही ये दोनों सेम लगेंगे, आप देख सकते हैं। सो अगर मुझे यहां पे रखना है तो यही चीज मुझे इसमें ढूंढनी होगी। ये फेस है तो ये वाला फेस है, तो आप यहां पे जाकर सिर्फ यही आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, इतनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसके बाद ये फिगर देखिए, यहां अब मुझे तो यहां से स्टार्ट करना है तभी मैं इसमें कर पाऊंगी। तो ये फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे यहां दिख रही है, आप देख सकते हैं। तो ये अगर मैं यहां पर रहने दूंगी तो मैं देख सकती हूं कि यहां मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री, थोड़ा सा व्हाइट पैड भी चाहिए, सो ये मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसके बाद आप ये देखिए, यहां पे ये मिडिल पार्ट है, लेकिन अब है क्या, मेरे पास ये साइड पे फेस नहीं है, मेरा फेस ये साइड पे है, तो मुझे ये और ये देखकर सोचना होगा कि मुझे चाहिए क्या। तो आप देख सकते हैं यहां से टिप लीजिए, ये जो है इसे हम ज्वाइन करेंगे। सो यहां पे ये पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है और ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है ना इजी। मेरी ये आइडिया है कि आंसर जो चाहिए उसमें से हमें क्वेश्चन में चेंजेस करनी चाहिए, फिर आपको अगर कोई और पैटर्न समझ में आती है तो आप फिर से भी कर सकते हैं। अब हम आंसर देखकर इसमें ट्राइंग करेंगे कैसे करेंगे। इसमें हमें पता चल रहा है कि लाइन ऑफ सिमेट्री यहां बीच में इस तरह से है। अब आप ये फिगर में देखिए कि ये जो रेड पार्ट है वो यहां है, याने मुझे ये पूरा रेड पार्ट चाहिए और ये व्हाइट पार्ट से कट है। पहले केस में हमें ऑलरेडी लाइन ऑफ सिमेट्री दी गई है, तो आप देख सकते हैं यहां पे रख के कि
ये फिगर और ये फिगर ठीक ही है। अब हम नेक्स्ट फिगर करते हैं। नेक्स्ट फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री यहां है, ये फिगर मेरा इस साइड पे है, इस साइड पे ये फिगर है। सो आप देख सकते हैं कि पूरा ये तो लिया ही गया है, व्हाइट भी पूरा आ गया है, उसके बाद चेंज जो है सिमेट्री आई है, यानी ये व्हाइट तक तो पूरा लेना ही है, ये भी लेना है और फिर सिमेट्री ये पार्ट हाफ लेना है। तो अगर मैं कुछ ऐसे रखूंगी तो आप देख सकते हैं कि ये पार्ट व्हाइट खत्म होने के बाद मैंने लिया। हम इसे एक बार रखकर दोनों चीज चेक कर लेंगे। आप देखिए इस पार्ट को इग्नोर कीजिए, ये ही पार्ट देखिए, देखिए ये और ये सेम है ना। इसमें थोड़ा क्रॉस है, ये जो हमने लास्ट पेज पे किया था वैसा है कि ये जो पार्ट है वो ये वाला पार्ट नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसमें रेड डॉट्स, तो ये वाला पार्ट है, तो हमारे पास ये वाला पार्ट इस साइड पे है, तो हम ये सिमेट्री देखने की ट्राई करेंगे। सो हमारा पेपर हम इस तरह एडजस्ट करेंगे। सो इसमें क्या है, ये पूरा है लेकिन ये जो नीचे व्हाइट है ये कॉर्नर में से सिमेट्री जा रही है, यानी इस तरह से मुझे लेना है कॉर्नर में से। ब्लू अरे ये येलो अरे एक्सक्यूज मी ऑरेंज तो लेना ही है और व्हाइट भी लेना है, तो यहां पे मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से। आप पेपर रखकर भी रूलर का काम कर सकते हैं। ये मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसके बाद ये फिगर है, तो कौन सा फिगर होगा फ्रेंड्स, ये यहां पे है, इसे हमें नहीं देखना है, हमें ये पार्ट देखना है। तो हमारा अगर ये पार्ट है तो वो ये वाले पार्ट की बात है। तो अगेन इसमें है क्या, तो कि ये तो पूरा ही है लेकिन ये जो रेड है वो इसकी एज के साथ होना चाहिए, तो हम ये रेड को यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके देखें। अब ये वाला पार्ट आपको चेंजेस बॉक्स में करने हैं, ये आंसर देखकर आप देख सकते हैं सब जगह पे हमने बॉक्स में ही चेंजेस किए हैं। तो अब ये वाला पार्ट हम ये रखें तो आपको पता चलेगा ये वो रेड डॉट की बात है, लेकिन इसकी बात है, लेकिन ये इस शेप में हमारे पास नहीं है, तो हमें ऐसे रखना होगा। अब आप देखिए ये पार्ट है और ये भी पार्ट है, यानी कुछ इस तरह देखिए है ना। तो अब हम उसे ड्रॉ करेंगे किस तरह, जिसमें व्हाइट भी आना चाहिए रेड भी आना चाहिए, तो हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से होगी। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा, वैसे है बहुत इजी। अब ये जो है एग्जांपल, इसमें एक किंग है, वो किंग हमेशा अपसेट रहता है क्योंकि उसके जो कॉस्टली ज्वेल्स है उसके लॉकर में वो हमेशा कोई थीफ आके चुरा लेता है। अब होता क्या है कि थीफ चुराता किस तरह है, लॉकर कोई कैसे खोल सकता है, तो थीफ इसलिए चुरा पाता था क्योंकि किंग हमेशा अपना लॉकर खुला रख के भूल जाते थे। आप देखेंगे ये पैटर्न यहां पे समझाया गया है कि जब किंग का लॉकर खुला था तब भी वही पैटर्न था और जब लॉक्ड है तब भी वही, तो किंग पैटर्न देखकर ऐसा सोचते थे कि मेरा लॉकर तो बंद है, लेकिन होता एक्चुअली लॉकर खुला था। इसलिए उसकी डॉटर ने उसे एक सजेशन दिया, उसकी डॉटर ने उससे कहा कि आप ये डॉट यहां पे रखिए। अब डॉट यहां पे रखने से उसका जो लॉकर था वो हाफ टर्न पे खुलता था। हाफ टर्न यानी कुछ इस तरह, मैंने यहां पे तैयार करके रखा हुआ है, हाफ टर्न यानी कुछ इस तरह, यहां से लेकर जब हम टर्न करके सिक्स पर आते हैं तो उसे कहते हैं हाफ टर्न। तो जब वो लॉकर पे डॉट यहां था
अब जब वो क्लोज करेगा तो हाफ टर्न इस तरह से सिक्स की पोजीशन पे आएगा, तो उसे पता चल जाएगा डॉट नीचे है यानी मेरा लॉकर खुला है। उसे याद रखना था कि अगर लॉकर बंद चाहिए तो उसे वो जो डॉट है ऊपर ही आना चाहिए। हाफ टर्न के बाद फिर वो कभी लॉकर को क्लोज करना भूला नहीं। तो यही बात अब आगे दूसरे एग्जांपल्स में देखते हैं। इसमें भी अगर आपको हाफ टर्न करना है तो आपको इस तरह से डॉट्स रखने होंगे, क्योंकि ये सारे फिगर हाफ टर्न पे भी सेम लगते हैं। यहां पे तो आप यहां कोई भी एक पे रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हैंडल कोई भी लॉकर का जो हैंडल का कोई भी शेप रहेगा तो आप इस तरह से अगर उस पे डॉट्स रख देंगे तो आपको पता चलेगा कि जब वो फिर से वही पोजीशन पे आए तभी वो क्लोज्ड है, नहीं तो वो ओपन है। फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे हाफ टर्न क्या होता है। इस तरह से मैंने एक यहां पे राउंड ड्रॉ किया है। ये ड्रॉ करने के लिए मैंने इस तरह का एक प्रोटेक्टर यूज किया है ताकि मुझे परफेक्ट एक राउंड मिले। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स कि इस तरह से ये पूरा जो अगर मैं प्रोटेक्टर लूं तो ये मेरा 360 डिग्री होगा। और इसी चीज को अगर मैं क्लॉक से कंपेयर करूं, जो काफी इजी है, अगर मैं क्लॉक से कंपेयर करती हूं तो मेरा ये चैप्टर बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ये अगर मैं क्लॉक देखूं तो पूरे क्लॉक में जब मिनट हैंड यहां से घूम के यहां आता है तो वो 360 डिग्री कवर करता है। जब कोई चीज पूरा यहां से 12 से जाके पूरा इस तरह से घूम के फिर से एक पोजीशन पे 12 पे यही आ जाए, पूरा एक राउंड लगाए, तो उसे कहते हैं फुल रोटेशन या फुल टर्न। लेकिन अगर वो 12, आपको हमेशा 12 से ही ध्यान रखना है, लेकिन अगर वो यहां से घूमकर एग्जैक्टली नीचे आए तो इसे कहते हैं हाफ टर्न, यानी यहां से लेकर यहां आना, इस पोजीशन पे आना हाफ टर्न है, और अगर वो यहीं रहता तो वो फुल टर्न है। अब हम, आप इतना तो समझ गए होंगे, इसलिए हम अभी 12 ऊपर रखेंगे और 6 नीचे रखेंगे, और हम ये जो पेज नंबर 78 पे थोड़े फिगर्स दिए गए हैं उन्हें हाफ टर्न फुल टर्न करने की ट्राई की। सो पहला फिगर हम लेंगे एक स्क्वायर। जो स्क्वायर है, माफ कीजिएगा, मैंने कलर्स अपने हिसाब से लिए हैं, उसमें जो पेज नंबर 78 पे कलर्स हैं वो अलग हैं और ये अलग हैं। हमें तो सिर्फ फिगर का काम था। अब इस फिगर में मैं अगर ऐसे बीच में लेकर ऐसे मैंने किया और मैंने 12 पे एक मार्क कर दिया। अब हाफ टर्न के बाद क्या होगा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, गेस विच ऑफ द शेप्स बिलो वुड बी द सेम आफ्टर हाफ टर्न। तो आप देख सकते हैं कि ये डॉट यहां पे जब आए तो हाफ टर्न है। तो देखिए, मेरा ये मैं टर्न कर रही हूं और ये नीचे आ गया, लेकिन इससे शेप में कोई चेंज आया नहीं, इसलिए ये फिगर सेम रहेगा, क्योंकि ये स्क्वायर है। और स्क्वायर में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इसकी जो साइड्स है, ये जो 4 साइड्स है, इनकी मेजर सेम रहते हैं। तो इसे अगर आप हाफ टर्न करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। सेकंड फिगर है हमारा रेक्टेंगल। यहां पे इन लोग ने दो टाइप के रेक्टेंगल लिए, हम दोनों रेक्टेंगल लेंगे ताकि आपको पता चले कि रेक्टेंगल अगर खड़ा हो तो चेंज आ सकता है, और अगर स्लांटिंग और दैट इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेक्टेंगल में कोई फर्क आता है। सो लेट्स चेक आउट। पहला रेक्टेंगल हमारा इस तरह से हॉरिजॉन्टल शेप में है, तो नेचुरली हमें डॉट कहां लेना है, यहां 12 की लाइन में। हाफ टर्न लेने के बाद इसे हम यहां लेके आए, शेप में कोई चेंज नहीं। क्यों? क्योंकि हाफ टर्न था, मेरा ऐसा हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है तो इसमें भी हॉरिजॉन्टल ही है। अब अगर मैं जैसे कि
फोर्थ फिगर देखिए, फोर्थ फिगर में यही रेक्टेंगल है लेकिन वो इस तरह से स्टैंडिंग पोजीशन में है। अब मैंने थोड़ी साइन चेंज कर दी, 12 पे ही करूंगी, और अब इसका हाफ टर्न लेने पे वो वैसे ही वर्टिकल पोजीशन में ही रहेगा, सो इसमें चेंज नहीं आएगा शेप में। इसके बाद हम शेप लेते हैं सर्कल। तो अब हम ये सर्कल जो है इस पे रखेंगे। अब इसे मार्क कर देते हैं, सर्कल भी रेड और हमारा डॉट भी रेड। लेकिन आई होप आप देख सकते हैं, इसे आप हाफ टर्न जब करेंगे, टर्न करके यानी 12 से 6 पर लाएंगे तो सर्कल का शेप चेंज नहीं होगा, इसलिए वो ठीक है। इसके बाद हमारा फिगर है एक ट्रायंगल। ट्रायंगल ये जो पिन है आपको बीच में ही लगानी है इस तरह से। ट्रायंगल का एक जो ऊपर का टॉप है यहां पे हम ये मार्क करेंगे क्योंकि ये 12 की तरफ पॉइंट करना चाहिए। 6 पे लाने के लिए हाफ टर्न जब हमने किया तो आप देख सकते हैं कि शेप चेंज हो गया। जब हमने स्टार्ट किया था तब पॉइंट ऊपर था और ये दो साइड्स नीचे थी, लेकिन अब ये दो साइड्स इस तरह से पॉइंट नहीं है। ये कहने का मतलब है शेप चेंज हुआ है। सो यहां पे हम कहेंगे कि ट्रायंगल हाफ टर्न में अपना शेप सही नहीं देता। लेकिन कोई और नंबर ऐसा हो जहां पे ट्रायंगल अपना शेप सेम दे सकता है, जैसे कि ये 4, वो हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे फिगर हेक्सागन। हेक्सागन यानी जिसमें 6 साइड हो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सो हम हेक्सागन को यहां पे करते हैं और इस तरह से यहां पे लेते हैं। हाफ टर्न के बाद हेक्सागन वही शेप देगा। क्यों? क्योंकि यहां पे भी जो फ्लैग था वही है, पॉइंट जहां थे वही है। आप कहेंगे कि आपने तो फ्लैट से किया, हमें पॉइंट से करके दिखाइए। तो ठीक है, हम पॉइंट से भी कर सकते हैं हेक्सागन। आप पॉइंट ले लीजिए। तो अब हमें एरो हम साइन चेंज कर देते हैं। ऊपर पॉइंट है, नीचे पॉइंट है, देखिए, और यहां पर फ्लैट सरफेस है। हाफ टर्न करने पर आप देख सकते हैं कि ऊपर अभी भी पॉइंट है, नीचे अभी भी पॉइंट है और फ्लैट सरफेसेस दोनों साइड पे। सो हेक्सागन बराबर इफेक्ट दे रहा है। लास्ट हमारा जो है वो है पेंटागन। पेंटागन यानी 5 साइड्स होते हैं जिसमें एक फ्लैट ऐसे होता है, उसके ऑपोजिट साइड पे पॉइंट रहता है और इस तरह से फिगर 1, 2, 3, 4, 5 साइड्स, सो इट इज कॉल्ड अ पेंटागन। और इस तरह से मैंने इसे रख दिया। पेंटागन में यहां पे आप देख सकते हैं एक पॉइंट अगर मैं लगाती हूं हाफ टर्न के बाद, नीचे पॉइंट आता है, ऊपर फ्लैट सरफेस। सो ये शेप जो है वो मेरा मेंटेन नहीं कर पाता। सो पेंटागन में हम क्रॉस करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से किस पे हम राइट करेंगे और किस पे रॉन्ग करेंगे। सो हमारा स्क्वायर अपना शेप मेंटेन कर रहा है। रेक्टेंगल किसी भी शेप में, या हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, दोनों ही शेप ये भी मेंटेन कर रहा है, ये मेंटेन नहीं करता, ये मेंटेन कर रहा है और ये मेंटेन नहीं करता। आपको करना यही है इस एक्सरसाइज में, आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको सिर्फ गेस करना है। लेकिन हम गेस नहीं कर सकते, हमें इस तरह से अगर प्रैक्टिकली करके बताया जाए तो हमें पता चलता है और ये काफी इजी एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं तक करेंगे और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीक में या इस वीक में एक और वीडियो पोस्ट करूंगी जिसका नोटिफिकेशन मैं आपको पहले से दे दूंगी। तो फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।
और जो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।